सोलांग जा रहे हैं ऑल्टो बुक करके। हेलो, वीडियो ऑन करके कर रहा हूँ। हेलो, अरे भैया तो आज है हमारा डे टू, और जैसे कि हमने प्लान किया था, हम डे टू पर अच्छे से फ्रेश होके नहा धो के नए कपड़े पहन के जाएंगे अंजनी महादेव, श्री अंजनी महादेव हिमाचल में। यहाँ पर टेम्पल है एक महादेव का, और काफ़ी पुराना टेम्पल है, और देखा तो मैंने भी नहीं है, फ़ोटोज़ में रील्स में काफ़ी देखा था। बहुत मन था मेरा, बहुत बहुत टाइम से बनता आने का। तो आज आपको मैं साथ लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ इस ट्रिप पे। सिर्फ घूमना फिरना ही नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है। वो चलते हैं अभी अंजनी महादेव, थोड़ा सा ही दूर है। कितना, 21 किलोमीटर दूर है, और कितना, एक से डेढ़ घंटा लगेगा शायद, अगर अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं रुके ना बाहर, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, पहुँच जाएंगे। तो चैनल भी नहीं बना मेरा अभी तो वीडियो बन रहा है सिर्फ भैया के फोन से कर दिया सब्सक्राइब। होना चाहिए। ये था हमारा होटल, अच्छा था, प्यारा था, बट थोड़ा आइसोलेट जगह में जैसे हम लेते हैं ना, थोड़ा अगर आइसोलेट जगह में जैसे हम लेते हैं, थोड़ा दूर शोर शराबे से दूर, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाए, इन्वर्टर का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज जहाँ रनिंग रोड में मिलती है ना, वहाँ अंदर आइसोलेट में नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बट शांति थी, पीसफुल था, मज़ा आया। बैग पैक करते हुए, वापस से सामान सारा रखते हुए, और पत्थरों को साइड करते हुए, हमने यहाँ पे पत्थर लगा दिया था कि स्लोप में खड़ी थी गाड़ी हमारी, गाता हूँ कैसे पार्क करी थी रात को, ऐसे गाड़ी खड़ी हुई थी रात को हमारी। माइनस टेम्परेचर के बाद करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो यार भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रही है, बट जाना तो जाना ही है, क्या कर सकते हैं, चक्का जाना हो, बम्पर टू बम्पर जाना है। तो अभी जैसे हम पहुंचे हैं, अभी तो पता चला है कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो जूते चेंज, कपड़े चेंज, सब बंदे कपड़े चेंज कर लिया, अब मैं जूते चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाले शूज बहुत स्लिप होते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स शूज पहन रहा हूँ, ये शायद कम स्लिप हो, ऐसा मेरा अंदाजा है। बाकी अब ट्रैक करते हैं, देखते हैं। तो भाई हमारी ट्रैक शुरू हो गई है, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है मंदिर। मुझे पता ही नहीं था वैसे कि ट्रैक होता है, तो हम कोई स्पेशल ट्रैक की तैयारी करके आए नहीं ना, बट अब देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, चलते हैं अभी 2.5 किलोमीटर ट्रैक पर है। यहाँ पे ये ATV भी जा रही है, घोड़े भी जा रहे हैं, और पैदल भी जा रहे हैं, अभी तो पैदल जा रहे हैं, जहाँ तक जा रहे हैं फिर देखेंगे। ये देखो व्लॉगिंग। चलो गाइस कंटिन्यू, शाबाश। चलो
मेरे सर पे हाथ रख तेरा। हाँ जी, तो मंदिर से आ गए हम, दर्शन हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ भाई, दिखा महादेव महादेव, अरे हर महादेव। अभी जा रहे हैं वापस नीचे, और गाड़ी तो हमारी बहुत आगे खड़ी है, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर आगे खड़ी है। 4 बज चुके हैं और होटल हमारा ऑलरेडी बुक्ड है। हम जाते हैं, बैठते हैं आराम से। ऊपर आते टाइम गर्मी लग रही थी, नीचे जाते टाइम ठंड लग रही है। बात यह है, मैंने आपको दिखा ना व्यू, जिसको हम अभी तक इग्नोर करते हुए जा रहे थे। जब हम वापस वापस नीचे उतर रहे ना, तो अब भी देखा भाई, पीछे का तो हमने देखा ही नहीं था ब्रो। अब दिखा दो, अमृत सभी मैं बांट के प्यारा विष का तूने खुद पिया। सेकंड डे का हमारा सेकंड होटल। यस, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। सेकंड डे का सेकंड होटल, इट्स वेरी लग्जरी होटल, वेरी नाइस होटल, एंड लोकेशन वाज वेरी ऑसम। यहां लगा दी अपनी गाड़ी, चलो गाड़ी आ गई। भाई होटल कैसा लगा? इट्स अमेजिंग। चलो क्या क्या करता है, फिर वो फिर निकाल देंगे। ये माल निकाला आपने, अच्छा खोल के दिखा दो। हम हैं मनाली माल रोड पर, और रीजन वाई हम इधर आते नहीं है, रीजन आई कि हम यहाँ आते नहीं है। आप खुद आप देख लो कि क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे। बंदा रिलैक्स करने आता है अपनी ट्रिप पर, अपने कहीं बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, उसको रिलैक्स शांति चाहिए होती है। अभी देख लो क्या करने आए थे यहाँ पे, ट्रिप में आए हैं क्या, भीड़ में आए हैं। हम क्या करने आए थे यहाँ पे, कुछ नहीं करने आए थे, सुकून हाँ सुकून लेने आए थे। सुकून देख लो, सारे बंदे मनाली घूमने के लिए आए क्या, पूरा फुल पड़ा है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 हो गया है हमारा। और ये रूम आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि इतना साफ रूम कैसे, क्योंकि हमने 2 रूम लिए थे, सारे बंदे उसी में बैठे थे, बस सोने हम इधर आ गए थे। और यहाँ पे देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कश्मीर में हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30, इतनी शांति है भाई, इतनी आराम से बोल रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी देर बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ। और कोई नहीं आता व्लॉग में, चांद पे दाग नहीं है कोई भी, 4 कदमों में पूरा कर दिया। की ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू यार बहुत तगड़ा आता है। मोदी वाला गाना कौन सा था? अरे भैया कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया। कर दिया डीमोटिवेट, उसके बाद यही तो है डे 3 फाइंडिंग्स रो। तो गाइस आज है डे 3 है आज। कल मैंने आपको इसी रोड का दिखाया था, पूरा जाम था, पूरा अटल तक जाम था, बट आज नहीं है क्योंकि आज है संडे, ज़्यादातर लोग संडे वापस घर की तरफ जा रहे होंगे।
तो हम भी वैसे आज ही निकलेंगे, कल सुबह तक पहुंच पाएंगे, कल सुबह या कल 12-1 बजे तक पहुंच पाएंगे। और अभी यहाँ पे कल भी आए थे ब्रेकफास्ट करने, आज भी ब्रेकफास्ट करने ही आए क्योंकि खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। नाम है सोलंग कॉटेज एंड कैफे। अगर आ रहे हो अटल के रास्ते पे, हो सलांग से निकले हो अटल की तरफ जा रहे हो, तो ये रास्ता ऐसे पड़ेगा, पार्किंग है सामने भी, पार्किंग है यहाँ पर आना। बहुत ही टेस्टी खाना था और रेट भी अच्छा था। वो खाना वाना खा लिया, खाना दिखा नहीं पाया यार, भूख इतनी लग रही थी, आते लपेट गया, निकलते पक गया। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, हमें वहाँ पे वो दिखाया ब्रिज, वहाँ पे जाते हैं तो फिर फोटो करवा लेते हैं, फिर आते हैं वापस। अब घर तो जाना ही है, वैसे भी टाइम है हमारे पास, तो अभी खाना खाती है एकदम से गाड़ी में नहीं बैठना, इसलिए थोड़ा वॉक वॉक कर लेते हैं, फिर चलते हैं निकलते हैं। फिर आ गया तो तेरे को हर बारी में बोलना होता है। गड़ी गड़ी, नीचे से फोटो। तो यार अटल टनल को क्रॉस करके हम थोड़ा सा रुक गए थे फोटो वोटो खिंचवाने, बस फोटो खिंचवाने ही आए थे यहाँ से, बस वापस चल रहे हैं। बैठो 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 गाइस, बैठो गाइस बैठो। अबे जाग लगी है इसमें भाई, मैं गैस ही पे चलता है। अबे बल्लू गया, बल्लू पकड़। बल्लू मेरे भाई, जल्दी बल्लू को ले, बल्लू की जरा चट ले। वो बल्लू में कितने बंदे बैठे हैं मेरे पास। गया बल्लू गया। क्या बोला तूने? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। Smack that. Tight. Tight. तो इट है क्या? मन्नत पर। और यहाँ पर क्या स्पेशल है पता नहीं। दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो दिल्ली जा रहे हैं। घर 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 पहुँचेंगे 1.5 घंटे के बाद। फिर उसके बाद लेंगे पूरे दिन नींद, फिर तो शाम को सोचेंगे कहीं जाने की। ओके अब करते हैं ब्लॉग को खत्म, टाटा बाय बाय।